बिग नमस्कार आदाब केम छो कैमोना छो टू ऑल क्रिकेट लवर्स आई एम हो ज़िया अहमद और मैं लेकर आया हूँ जेंटलमेंस गेम और नेशनल लव क्रिकेट का एक बहुत ही नायाब प्रोग्राम जैसा कि प्रोमो में आपने देखा इस प्रोग्राम को हम लोग देखेंगे क्रिकेट की एक बहुत ही मशहूर हस्ती के नज़रिए से Padmashri Dr. Sayed Kirmani. Dr. Sayed Kirmani, as many of you know, has been one of the finest wicket keepers of our country. He has, in fact, been awarded the best wicket keeper award during the 1983 World Cup victory. As you all know, that was a maiden World Cup victory, and during his tenure, had shattered many records as a wicket keeper batsman. Inse, हम charcha karenge. और थोड़ी देर में इनके साहबजादे किरमानी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इनकी उपलब्धियों का भी जिक्र हम आगे चल के करेंगे सो लेट्स ऑन विद द शो लेट द गेम बिगिन एंड एवरी गेम बिगिन विद द पावर प्ले सो हियर्स द फर्स्ट पावर प्ले क्वेश्चन किरी भाई वेलकम टू द शो थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू विकेट कीपर की हैसियत से आपकी शुरुआत हमने सुना ग्लव्स की जगह ऑपोजिशन की आपने ईट से ईट बजाई जी 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 बिल्कुल वाह क्या बात है ईट से ईंट बजाए ये ऐसा ईट से ईट बजाए कई ईटें हमने तोड़ दी जी हाँ जी हाँ बिल्कुल तोड़ दिए हम कई ईटें तोड़ दिए शुरुआत मेरी देखिए जब हमारी ए, छोटी सी टीम जयमाल एक्सटेंशन में जब आ, आ, बनाई गई वहाँ से एक ख़ुद ब खुद अपने आप को कैप्टन बना लिया मैं कैप्टन हूँ सीनियर था वो सबसे तो वो बहुत ही मामूली सी जगह थी वहाँ पे पथरे बोल्डर्स घास पारथीनियम हर किस्म के काटों के बेला छोटे मोटे उस जगह पे वहाँ पे क्योंकि छोटा था मैं तो कप्तान ने कहा कि जाओ यार वहाँ पे जाके कॉर्क बॉल को रोको तो हमने मान लिया यार कैप्टन बोल रहा है अब कैसे रोकें पीछे जाके खड़े रह गए हम भाई कैसे रोकें कॉर्क बॉल को तो अतराफ मैंने नज़र डाली तो वहाँ पे एक ढेर सा ईंट का ढेर खड़ा रखा हुआ था कंस्ट्रक्शन के लिए तो हमने वहाँ से दो ईंटें उठा लिए ऑफ लेग साइड पे ये था ऑफ साइड पे ये था कई ईंटे हमने तोड़ दी ये भी टूटे हुए छें देखे जैसे कि हम ईंट से ईंट जब बजाते हैं तो टूटना ज़रूरी है बस वहाँ से हमारी शुरुआत हुई कोई uh, ये नहीं कहा कि भाई आप विकेट कीपर बन जाओ जब हम सेंट जोसेफ स्कूल में जूनियर स्कूल टीम में हम सेलेक्शन के लिए गए तो वहाँ पर स्कूल का कीडबैक था तो हमने uh, किडबैक खोल के देखा तो बस आ, हम विकेट कीपिंग ग्लव्स को ढूंढने लगे तो वहाँ से विकेट कीपिंग ग्लव्स जब हमने देखा तो ये बहुत ही बेहतरीन अली तरीन ग्लव्स नज़र आए ईंट की जगह पे तो वहाँ से हमारी शुरुआत हो गई विकेट <laughs> कीपिंग की बस दट इट हाँ जी फिल्मी दुनिया से भी आप कभी अजनबी न थे क्या कबात है क्या बात है क्या बात है आप हमारे ज़माने की वो बिल्कुल हम जब भी मौका मिलता था तो थिएटर्स में जाते थे और फिल्में देखते थे तो बहरहाल मौका भी आ गया हमें संदीप पाटिल जब हीरो बनने लगे तो हमने उनसे मज़ाक से कहा कि यार तुम तो हीरो बन गए बॉलीवुड के हमें भी कोई एक मौका दे दो तो हमें मालूम नहीं मजाक किया मैंने तो उसने सचमुच अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजा साहब उनका नाम था तो उनसे बोल के बहरहाल एक चांस मिल गया हमारे को उस पिक्चर का कभी अजनबी थे और उसमें मैं थोड़ा सा कराटे बहुत बड़ा फ़ैन था मैं कराटे का मार्शल आर्ट्स जी हाँ जी हाँ तो उसमें थोड़ा सा कराटे किया मैं जी, जी। और बस वहीं पर आखिरी बस मैं देखना चाह रहा था कि ये इतना छोटा सा सर बड़ी स्क्रीन में कैसा नजर आता है तो उस, 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 उस लिहाज से उस पिक्चर को, का नाम भी था कभी अजनबी थे बड़ा अच्छा टॉपिक लिया आपने बॉलीवुड का हमने तो ये भी सुना है सर कि जो निकनेम आपको मिला है कोजैक <laughs> इसमें एक हॉलीवुड स्पिन भी है वाह वाह जी हां बिल्कुल इसमें जहां जब से के उस जमाने में हॉलीवुड के बहुत ही मशहूर और मारूफ आ, एक्टर्स थे यूल ब्रैनर और कोजैक जब हमने ये ये हेयर स्टाइल कॉपी किया हमने उन दोनों का देखते हैं क्रिकेटिंग की दुनिया में कैसे लगता है ये ये स्टाइल कैसे लगता है तो ये बहुत ही क्लिक हो गया तो इंग्लिश जर्नलिस्ट जो आए 1982 की बात कर रहा हूँ मैं 81 में साफ़ हुआ मैं वस्त्रा लगाना लगा लगाने लग गया मैं चट। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल उसके बाद हर कोई जो भी देखा कि यार यू अ नाइस लिटल राउंड लिटल हेड विदाउट एनी डेंट्स एंड बम्स इन टू इट सो ऑन दो बेस दैट इनक्रेज मी एंड कैप मी गोइंग तो इंग्लिश जर्नलिस्ट आए यहाँ पे और उन्होंने देखा कि भाई यार ये अजीब सा क्रिकेटर है जो बग़ैर बाल के नया स्टाइल निकाला है तो इन्होंने मेरे को यूल ब्रेनर का खिताब दे दिया जब हम ऑस्ट्रेलिया गए जी। उसी दौरान एटी टू के दौरान ऑस्ट्रेलिया जब हम गए तो वहाँ के क्रिटिक्स ने कहा कि भाई कोजैक ऑफ इंडियन क्रिकेट तो जा ये हॉलीवुड के नाम जो दिए मुझे बहुत ही पसंद आ गए कि भाई आई एम लिंक्ड विद टॉप हॉलीवुड स्टार्स बॉलीवुड में भी आप उस जमा हमारे ज़माने के एक शट्टी विलन थे जी जी, जी शट्टी जी, साहब बोल के बहुत ही मशहूर और मारूफ जी हाँ जी, जी तो, हाँ बहरहाल इन सब इन सब सारे माफी चाहता हूँ इन सारे सब टकलों टकले बोलते हैं ना उन लोगों को टकले जी हाँ टकलों को खोजैक यूल और शट्टी ये तीन टकलों को ना मुछी थी ना दाढ़ी थी ये अजीब सा गरीब आ, क्या मैं मैं भी बोल लेता हूँ टकला हूँ <laughs> फैमिली में या कहीं भी आपका सबसे बड़ा फ़ैन अभी मैं किसको बोलूं कि मेरा सबसे बड़ा फ़ैन कौन था अब मेरे को तो हर वक्त देखिए इतनी ठंडी सी हवा आती है जैसे कि एयर कंडीशन सो so, सारे फैंस की जो ठंडी हवा आगे आती आगे। है मेरे को आई एम वेरी हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ फैंस हु आर माय वेरी वेल विशर्स हु लुक अपॉन मी एज द क्राइसिस मैन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम